खबर गोंडा से है, जहां ठंड का प्रकोप बढ़ते ही अवैध कच्चे शराब का कारोबार भी बढ़ने लगा है। कच्चे शराब के बढ़ते कारोबार को देखते हुए जिला आबकारी अधिकारी की अगुवाई में महाअभियान चलाया गया, जहां जिले के कई क्षेत्रों में छापेमारी की गई। एसडीएम सदर, सीओ सदर की अगुवाई में आबकारी निरीक्षण टीम ने खेतों और घरों पर कच्ची शराब की सैकड़ों धधकती हुई भट्टियों पर छापा मारा। इस दौरान शराब बनाने के लिए उपयोग होने वाला लाहन सहित सैकड़ों लीटर बरामद हुई, जिसे आबकारी टीम ने मौके पर नष्ट कर दिया। फिलहाल पकड़े गए संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ आबकारी टीम द्वारा आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। अवैध कच्ची शराब बनाए जाने को रोकने के लिए कई दिनों से प्रयास चल रहा था। छोटे छोटे हम लोग कार्यक्रम करते रहे कई जगह छापेमारी के। आज सुबह जो है तड़के हम लोगों ने एक यहाँ रानीपुरवा है, एक राधेपुरवा है, दो जगह हम लोगों ने संयुक्त रूप से सी ओ सी टी थे हमारे साथ और आपके विभाग के लोग थे, सब लोगों ने छापेमारी करी। सर, शहर से बिल्कुल जस्ट सटा हुआ एक जो है राधेपुरवा है, बगल गाँव है, ये कोतवाली नगर का एक क्षेत्र है।